बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। ये मेरा वीलॉग है फिल्थ इन आवर सोशल एंड नेशनल मीडिया। बात यह है कि मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूं कि एक फिल्थी टॉपिक छिड़ा और हमारे सोशल मीडिया पे या हमारे नेशनल मीडिया पे एक रेस शुरू हो गई और क्या कहते हैं करेक्टर असैसिनेशन जो है ना वो शुरू हो गई, हालांकि जिसके अंदर कोई रियलिटी वाला कोई सबूत या इस किस्म की चीज नहीं है। मैं अब तमाम पाकिस्तानियों से सिर्फ ये कहता हूं कि आज किसी की बेटी अदाकार है, आज किसी की बेटी मॉडल है, व्हाट्स एवर, ये उनका जाती फेल है, ये उनका अपना एक शौक है। क्योंकि देखिए मॉडलिंग या अदाकारी कुछ भी करना ये एक इंसान का एक अपना शौक भी होता है और एक कैरियर होता है और इन रियलिटी में। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, याद रखिएगा कि हम लोग बेसिकली, मैं ओपनली ये लफ्ज बोलने लगा हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा ना लगे, जो कुछ भी है, हम लोग ठरकी हैं यार, ये हमें मानना पड़ेगा। हम किसी औरत को देखें, लाल कपड़े दूर से देखें, हम उसको ताड़ना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, और ये हमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कहने को हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर ये सबसे बड़ी जो कमजोरी यही है कि किसी की माँ बहन हो, वो चल रही हो, हम उसकी नजरें हमारे उसके पीछे लग जाती है। और स्पेशली जब एक किसी का स्कैंडल आपके सामने आए, वो चाहे झूठा हो या सच्चा हो, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। वो चाहे वो हकीकत बात ये कितनी भी उस इंसान को जिसकी करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने ये सोचा है कि उस जिसकी आप करेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, जिसको स्कैंडलाइज कर रहे हैं, वो भी किसी की बेटी है, वो आपकी भी बेटी हो सकती है, वो किसी की माँ है, हो सकता है वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो किसी की बहन है, वो आपकी भी बहन हो सकती है। तो खुदा के लिए इस तरह के जो घटिया किस्म की जो सोच है उसको हमें दूर करना होगा। हम एक साइड पे कहते हैं कि हमें नया पाकिस्तान चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन हमें क्या कभी सोचा कि हमें एक अच्छा किरदार भी चाहिए। मेरा आज का जो वीलॉग है वो इसी चीज पे है कि क्या हमें अच्छा किरदार अपना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हम अपनी गलतियों से सबक सीखें ये कि ना कि इसी तरह गलतियों को रिपीट करते रहें। इसके अंदर मैं भी शामिल हूं, मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, मैं भी कौम का हिस्सा हूं। और जो मैंने बात कही ना कि हमारी कौम के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम ठरकी हैं, और नंबर दो एक और चीज बताऊं कि हम झूठे भी हैं, मकार भी हैं। हम खुद एक हरकत करते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं, उसको कवर अप करने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हम बोले जाते हैं। सच्चा इंसान, हकीकतन इंसान वो होता है कि अगर उससे कोई गलती हुई हुई हो और उसने तोबा कर ली हुई है, और अगर उससे कोई पूछे उसके पुराने चीजों के बारे में, तो वो उसको फौरन से पहले कहेगा कि हाँ यह हकीकत है, और उसको कहते हैं सच्चा इंसान। लेकिन वो इंसान जो उसको सवाल कर रहा है और वो खुद अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा, और उसके जो उसने अगर जवाब दिया कि हाँ मैं ऐसा था, तो वो जो सवाल करने वाला है उसको इसके जवाब लेकर लोगों में उसको बदनाम करेगा, वेयर एज वो अपना गिरेबान अगर झांके तो हो सकता है कि 1000 times मोर वो खुद वही बद करदार या जो भी उसको कहने प्ले बॉय या व्हाट्स एवर। लिहाजा इन गलीज हरकतों से हमें बाज आना चाहिए। ये इतनी गन्नावनी चीजें हैं जो हमारे नेशनल करेक्टर असैसिनेशन हो रही है हमारी खुद। अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये मेरे पाकिस्तानियों, अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो याद रखिएगा वो उंगली हम पे उठ रही है। मैं इस चीज पे हूं, देखे कि जातियात जो इंसान की जो मर्जी कर रहा है, लेकिन एक वो चीज अगर उसकी जातियात उसके प्रोफेशन पे असरअंदाज हो रही है, उसकी जातियात इस पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो रही है, फिर तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है इस कौम के लिए, और उसका जो भी जाति करैक्टर हो, जो मर्जी हो, मैंने बड़े बड़े मौलवी जो मौलाना बड़े मुत्तकी और बड़े वो पहुंचे हुए, यकीन कीजिए
कि मैंने पीर बड़े बड़े यानी कि नामों वाले देखे हैं जो बैक डोर पे क्या करते हैं, लेकिन मैं ना तो कभी नाम लेता हूं उनका। क्यों? वजह क्या होती है कि उनका अपना एक जातियात है, जाती उनका फेल है, वो उसको अल्लाह ताला जवाब दे। लेकिन अगर उसका असर इस कौम के ऊपर पड़े, कौम के जो कहते हैं ना कि जो गवर्नमेंट का हमारा जॉब है उसके ऊपर पड़े, तो डेफिनेटली हम उसको बात करनी चाहिए। देखिए, मैं सीधे में बात नहीं करना चाहता कि ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना पैदा हो, मैं सीधी बात अभी करने लगा हूं। अभी कुछ दिन पहले वो कुछ चार हमारी मॉडल्स हैं या चार हमारी अदाकाराएं हैं जिनके नाम तो नहीं आए सामने, उनके कोड वर्ड में नाम आए और जो कि उस चीज को लोगों ने पिक किया और लोगों ने उसको उसके करेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दी। अब नंबर दो, देखिए मैं इस चीज के ऊपर कर्तन स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, स्ट्रांगली, कि जो चीज अगर मुझे पसंद खुद नहीं अपनी जात पे, तो फिर मैं दूसरों के लिए वो चीज क्यों पसंद करूं। देखिए मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि देखिए जनरल बाजवा ने अगर सवाल किया इमरान खान से या उसको कहा कि तो आप भी तो एक प्ले बॉय थे, और इमरान खान ने कहा कि हाँ ठीक है मैं कोई रिश्ता तो नहीं था, लेकिन क्या बाजवा ने अपने गिरेबान में कभी झांका? मैं ओपनली कह रहा हूं कि हो सकता है कि जो हो सकता है, मैं ओपनली कह रहा हूं, हो सकता है कि इमरान खान की निस्बत जनरल बाजवा है ना वो गलीज तरीन शख्स हो, मैं ये भी बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ लगती कि ये क्यों इस किस्म की टैक्टिक्स प्ले की जाती है, लोगों की वीडियोस बनाई जाती हैं, लोगों की ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है उनको ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका अपना करेक्टर क्या है, उनके अपना हालो हवाल क्या है। मैंने एक दफा एक पहले बात की थी कि जो लोग दूसरों को नंगा कर रहे हैं, दूसरों को नंगा कर रहे हैं, बड़ा नंगा करने का शौक है, 24 घंटे में 22 घंटे दफ्तर में गुजारते हैं, 2 घंटे घर में जाते हैं शायद कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन उनको अपने घर की कोई खबर नहीं होती कि अब उनके घर के अंदर किसी और की भी वीडियो बन सकती है, उनके घर के अंदर क्या हो रहा है उनको उनका कोई एहसास नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि देखिए अगर आप किसी की वीडियो बना के आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, तो इन रियलिटी में आपकी भी वीडियो बन रही होगी, आपके खानदान की भी वीडियो बन रही होगी, तो इन चीजों से आप बाज रहिए। जो आप लोगों के काम है, जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को कीजिए। हमें नेशनल लेवल पे हर शख्स को अपने करैक्टर रिबिल्ड करने की जरूरत है, हमें अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब तक आप अपने अंदर एक सोच नहीं लेके आएंगे तब तक आप इस पाकिस्तान को तब्दील नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पाकिस्तान को तब्दील किया जाए और इस अंदाज में किया जाए कि हर शख्स को इंसाफ मिले, हर शख्स को एक मेरिट पे जॉब मिले, हर शख्स को जो है उसकी वेलफेयर हो, हर शख्स का इलाज हो, हर शख्स के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन वगैरह हो, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को तब्दील कीजिए। मेरे इसमें अपने आप को तब्दील कीजिए, अपने अंदर वो जो शैतान है उसको बाहर निकालिए। उसको जब तक अपने शैतान को बाहर नहीं निकालेंगे तो आप कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते कि आप पाकिस्तान को तब्दील कर सकेंगे। तो पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए आपको खुद तब्दील करना होगा। और मैं फिर खुदा के लिए रिक्वेस्ट करता हूं तमाम सोशल मीडिया वालों से, तमाम मीडिया वालों से, तमाम उन लोगों से कि जो मेरी, मैं ओपनली कहता हूं, वो मेरी बेटियां हैं, जो जिन जिन के नाम आए हैं वो सब मेरी बेटियां हैं, मैं ओपनली ओथ पे कहता हूं कि वो मेरी बेटियां हैं, दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई इतराज है वो मुझसे बात करे, वो मेरी बेटियां हैं, वो मॉडल हैं, अदाकारा हैं, कुछ भी है, वो मेरी बेटियां, वो मेरी पाकिस्तान की बेटियां हैं। इन रियलिटी में वो अपनी जात के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, उनको करैक्टर असैसिनेशन मत कीजिए। आप अपने करैक्टर की तरफ देखिए कि आपका अपना करैक्टर क्या है। किसी की बेटी की या किसी की बीवी की या किसी की क्या कहते हैं इज्जत उछालना, ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ, वो औरत, वो मर्द जिसका करैक्टर इतना बुरा है और उसके करैक्टर का आपके नेशनल लेवल पे असर पड़ रहा है, आपकी जो आपके जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के जो जॉब चल रही है उसके ऊपर असर पड़ता है, तो डेफिनेटली आप उसको बात कीजिए। लेकिन वो बात कैसे कीजिए? आप अपनी अदालत का दरवाजा खटकाइए कि ये शख्स जो है,
ये अपनी जॉब नहीं कर रहा, जैसे अभी ओपनली कह रहा हूं कि हमारे जो वो लोग बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो लोगों के कपड़े उतारते हैं, नंगा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लानत का मकाम है उनके ऊपर, ऐसे शख्सों के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारी अदालतें भी करप्ट है, हमारी अदालतें उनके उन्हीं के अंडर है, तो वो कैसे काम होगा। लेकिन डेफिनेटली मेरे जैसे शख्स जो होता है, मैं तो ओपनली कहता था कि मैं भी शरीफ आदमी नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत शरीफ आदमी हूं, मैं अपनी आर्मी के लिए बहुत शरीफ आदमी हूं। लेकिन ऐसे शख्स जो बैठे लोगों को नंगा करते हैं, बाय गॉड इफ अगर ये मेरे साथ हुआ हुआ था अभी तक इनका मैं वो हाल कर चुका होता, ये सोच भी नहीं सकते। हकीकत भाई घुस के मारने वाला इंसान हूं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की जान इज्जत के लिए इसमें मर मिटने वाला इंसान हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पाकिस्तान आर्मी बदनाम हो ऐसे लोगों की वजह से। चंद एक घटिया किस्म के लोग जब मेरी आर्मी में आगे जा जाते हैं तो उसका नाम हमारी आर्मी का बदनाम होता है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। तो लिहाजा मैं अब सब पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए हमें इंडिविजुअली हर शख्स को अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को मॉरली आपने ठीक करना है। अपनी बेटी को, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझिए। याद रखिएगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे तो फिर आप ऐसे ही लोगों की इज्जत उछालेंगे और आपकी भी इज्जतें उछलती रहेंगी। मुझे अफसोस होता है कि जब इस तरह की हरकतें मैं देखता हूं, मेरे अपने भाई या अपने दोस्त इस तरह की, उनके स्लिप ऑफ टंग कह लें या इस तरह की जो बातें जब उनके निकल जाती हैं, अगर निकल भी गई हैं तो इसमें कोई, मैं कहता हूं कि इज्जत काम नहीं हो जाती सॉरी करने में। अगर मैं मुझसे अगर कोई किसी का गलती से नाम निकल भी जाए तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने को भी तैयार हो सकता हूं, मैं मांग सकता हूं, मुझे शर्म नहीं है, इंसान हूं ना, गलती हो सकती है। लेकिन प्लीज, ये मैं चार तस्वीरें बार बार सोशल मीडिया पे देखता हूं, मैं ओपनली आप सबको कह रहा हूं कि एज ए आई मेजर नदीम डार, मैं आई एक्सेप्ट कि ये चारों के चारों मेरी बेटियां हैं और इन चारों की इज्जत उसी तरह ही है जैसे मेरी सकी बेटी की है। तो लिहाजा स्टॉप इट, स्टॉप दिस नॉनसेंस, मत कीजिए इनको बेइज्जत, मत कीजिए। अगर आप इनको बेइज्जत करेंगे आज तो आपकी अपनी बेइज्जती होगी। मैं इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग को खत्म कर रहा हूं। तमाम नेशनल मीडिया, तमाम सोशल मीडिया के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि स्टॉप, ये जो बहुत हो गया, प्लीज स्टॉप इट, बहुत हो गया। बाजवा को रगड़िए, उसने गद्दारी किया, बाजवा को रगड़िए, उसने क्राइम किया, बाजवा को रगड़िए, उसने रिजीम चेंज करके इस पाकिस्तान को डबो दिया, उनको रगड़िए बिल्कुल, मत स्पेयर कीजिए। फैज अमीद है, कोई भी है, मैं भी हूं, मत स्पेयर कीजिए। जिस जिस शख्स ने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिस जिस शख्स ने इस मेरी फौज को नुकसान पहुंचाया, उसको मत स्पेयर कीजिए, रगड़ा लगाइए, दबा के लगाइए। लेकिन किसी की जातियात जो है ना, जैसे हमारी बेटियां बच्चियां हैं, उनकी करेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए। वो मेरे, मैं ओपनली कहता हूं, हमारे फख्र का मकाम है। हर शख्स ये सोचिए, जैसे आपके घर के अंदर बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को परमानेंटली बंद करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को, हम सब को हदायत दे, और अल्लाह ताला हम सब के ऊपर वो रहमत नाजर कर दे जिससे हमारे दिमाग भी खुले, हमारा नॉलेज भी खुले, हमारा जिस्म भी खुले, और इन रियलिटी में हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने वाले मुसलमान बने, जबानी खिलामी सिर्फ नाम के साथ ना हो। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।